हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नए व्लॉग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, चाय वाय पी ली हमने और अब बना रही हूँ मैं आलू और शिमला मिर्च की सब्जी। आज ये मैंने काट ली है, मेरे पीछे देख सकते हो आप। ये देखो, मटेरियल तैयार कर लिया है। कढ़ाई में तेल गर्म होने लग रहा है, बना लेती हूँ। तेल गर्म हो गया है फ्रेंड्स। आलू मैंने फ्राई कर लिए हैं ब्राउन होने तक। और ऐसे ही अब मैंने जो शिमला मिर्च कट की हुई है और प्याज मोटे मोटे जो कट किए हुए हैं, इन दोनों को भी ऐसे ही थोड़ा थोड़ा फ्राई कर लूँगी, इकट्ठा ही थोड़ा ब्राउन कर लूँगी इनको भी। मैं आपको शॉर्ट में ही बता रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि मेरा तो कुकिंग का चैनल नहीं है, मेन मेन बातें बता देती हूँ आपको। ये मेरा तरबूज देख लो फ्रेंड्स, खा रही हूँ और सर लगे हुए हैं, मेरी स्टिक टूट गई है, कैसे बनाऊंगी अपनी वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इस सुबह सुबह टूट गई, कोशिश कर रहा हूँ कि चाइनीज माल है, इनकी कोई लाइफ तो होती नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ हो जाए तो। टूटने के बाद मैं कह रही हूँ सर को, टूटने के बाद कैसे जुड़ेगी ये? इसको कोशिश कर रहा हूँ, रहोगी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने कहा मेरा तो काम ही रुक गया, स्टिक के बगैर तो काम चलता ही नहीं, जो वीडियो बनाते हैं उनका तो जुगाड़ बाज है सर, कुछ ना कुछ करेंगे, देखते हैं कामयाब होते हैं या नहीं। टूटी है या निकली है, क्या हुआ है ये? ये ऊपर से टूट गई ना, उसके बाद वो निकल गई, ये पीस टूटा हुआ नहीं रहा। अच्छा, तो टूट गया तो ठीक कैसे होगा फिर? अब ये अंदर घुस जाएगा तो फिर तो मैं इसको ऊपर से फेविकॉल से उससे चिपका दूंगा अपने कोई फिक्स से, लेकिन ये अंदर जाए जब ना तो उसको, अब निकला है तो जोर से बहुत ज्यादा खुल गया आपसे तो इसलिए निकल। अरे नहीं, खुली क्या, मैं तो बंद कर रही थी इसको। तो बंद कर रही थी, टेढ़ी हो गई ना, टेढ़ी होने में क्या है, ये उसका टूट गया। मैं वीडियो बना रही थी फ्रेंड, मैं इसको बंद करने लगी तो मेरे हाथ में ही आ गई। सर कह रहे तूने तोड़ दी, बताओ मैंने क्या तोड़ा है इसका? कुछ भी कहा सर मुझे, ये कहेगा तूने किया होगा। कोई चीज नहीं मिलेगी ना तो कहे तू बाहर फेंक आई होगी डस्टबिन में। घर में हम दो आदमी है, किसका नाम लो बताओ। कोई चीज थोड़ी देर भी नहीं मिलेगी ना, कहेगी देख ना तू डस्टबिन में तो डाल दी तूने। और कई बार फ्रेंड्स क्या होता है, हमारा नाइफ वगैरह सर ही डस्टबिन में डाल देते हैं और मेरा नाम लगा देते हैं। और वो हमें कहाँ मिलेंगे? आपको पता है हम अपने जो भी सब्जी फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं डस्टबिन में नहीं डालते, हम पौधों में डालते हैं। फिर मैं ये कहूँगी जाओ पौधों में देख कर आओ, फिर वहीं पड़ा मिलेगा। होगा क्या कुछ जुगाड़ इसका? मुश्किल है तो रहने दो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? रहने दो, ये तो और ही लानी पड़ेगी, मेरा तो काम रुक जाएगा। चलो फ्रेंड और काम कर लेते हैं, क्या टाइम वेस्ट करना इसके ऊपर, देखते हैं सर लाएंगे कब लाएंगे मेरी स्टिक, और मैं कैसे काम चलाऊंगी फिर इसके बगैर, पता नहीं। ये थोड़ा टुकड़ा इसके अंदर ही है कहीं मिल जाए, इसका क्या करोगे अब? ये फ्रेंड्स, मैं अपने कपड़ों की सेटिंग करने लग गई हूँ, जो मेरे गर्मियों के कपड़े थे, मतलब जो अब तक पहनती थी। अब बहुत ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो गई है फ्रेंड्स, अब तो नहीं पहने जाएंगे, अब तो वही निकालूंगी जो टी शर्ट वगैरह हैं जो बहुत ज़्यादा गर्मी में पहनती हूँ, वही निकालूंगी, बाकी सब कपड़े रख दूंगी। ये सब सेटिंग के अंदर ही रख देती हूँ फ्रेंड्स। और मैंने ये देखा फ्रेंड्स, घर में चाहे कितनी ही अलमारियाँ बनी रहे, कितना ही कुछ हो, बेड वगैरह हमारे भरे रहते हैं, कोई भी नई चीज़ ले आते हैं जिसमें बॉक्स बना हुआ हो वो भी भर जाता है,
कोई भी जगह खाली नहीं रहती। हमारे घर में इतनी अलमारियां बनी हुई है, दो आदमी हैं फिर भी सेटिंग में ही कपड़े रखने पड़ते हैं मुझे, बड़ी भरी पड़ी रहती हैं। छाट लेती हूँ इसमें से कपड़े, और जो एक्स्ट्रा हैं आज तक के कपड़े मेरे जो इतने दिनों से रखे हुए थे पेंडिंग, मेरा काम पड़ा हुआ था, सर्दियों के भी दो तीन स्वेटर बाहर ही पड़ी हुई थी अब तक मेरी, सर की भी मेरी, जो लास्ट तक पहनते रहते हैं हम। मालस करती रहती थी कि रखूँगी रखूँगी, और ऐसा कुछ था नहीं कि जगह खाली करनी ज़रूरी थी, एक तरफ रखे रहते हैं अलमारी में, आज उनको भी उठा के रख दूँगी। स्टॉल वगैरह भी हैं मेरे दो तीन, वो भी रख दूँगी। और फ्रेंड्स इतनी सारी चुनियाँ हो जाती हैं जो हमारे सूट तो पहनने में आ जाते हैं, लेकिन चुन्नी तो ओढ़ने में आती नहीं है इतनी, और ना ही वो फटती हैं। ये मेरी सेटी जो है चुनियों से भरी पड़ी है। आप बताना फ्रेंड्स, आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है क्या? और जिसको पता हो कि क्या करें इन चुनियों का, क्या बन सकता है, बताना आप कैसे यूज़ करते हो, जो ऐसे एक्स्ट्रा चुन्नी होती हैं उनको आप कैसे यूज़ करते हो, सुझाव देना मुझे क्या करूं। और इतनी सारी साड़ियाँ भी पड़ी हैं मेरी इसी सेटी में ही, जब मैं जॉब करती थी तब से, वो भी है, मेरा मन नहीं करता पहनने का साड़ी तो फ्रेंड्स, अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता साड़ी देखकर, तो मुझे कुछ कुछ होने लग जाता, गर्मी लगने लग जाती है साड़ियों को देखकर। अब क्या करूँगी मैं पता नहीं। अब ये मेरे पहले के कपड़े थे जो मैंने इसमें रखे हुए हैं, वही निकालने लग रही हूँ अब, झुक कर एक हाथ से पकड़ना और एक हाथ से छाटना कितना मुश्किल है। सर होते हैं तो कर देते हैं हेल्प, लेकिन अब तो ऑफिस में है सर तो, और शाम को आते हैं तो थके हुए होते हैं, आदमी से कहा नहीं जाता भी चलो काम में हेल्प करवा दो, कुछ काम तो ऐसे ही होते हैं। अब ये जो मेरे रखे हुए थे बाहर जो मैं नहीं पहन सकती, अब वापस रखने शुरू कर दिए हैं मैंने। और मेरी एक साड़ी ये देखो, शादी की अद्दू आया तब कह रहा था दादी जी मुझे आपकी शादी की साड़ी दिखा दो, उस टाइम निकाली थी ये मैंने, आज तक बाहर ही पड़ी है, रखी नहीं थी मैंने। ये बच्चों को शौक होता है आपकी शादी की साड़ी दिखाना, ये मैंने पूछा अद्दू कैसी लगी, वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत अच्छी लगी उसको मेरी साड़ी। अब ये सेट कर देती हूँ, और ये जो कपड़े मैंने निकाले हैं इनको भी सेट कर दूँगी, देखूँगी क्या करूँगी इनका, अब यही पहनने में आएंगी ये टी शर्ट वगैरह, जो छोटे छोटे कपड़े ही पहने जाएंगे घर में। तो उसमें मेरी तीन चार चुन्नी पड़ी हुई थी वो भी निकाल ली हैं, सामने आ गई थी मेरे। कई बार क्या होता है मैं सोचती हूँ जगह रुकी हुई है अलमारी में, सेटी में रख देती हूँ, देखो ये मेरी चुनियाँ आज मेरे सामने आ गई, आज मुझे अच्छी लग रही है, निकाल ली है मैंने, ये निकाल लिए फ्रेंड्स, सेट करूँगी, प्रेस करने पड़ेंगे सारे के सारे मुझे वो कपड़े, या दोबारा धोऊंगी अलमारी में लगाऊंगी बाद में। और ये सब्जी लेकर आई थी सर, ये कहते हैं आज खुद ही चलो, सर पूछते हैं क्या सब्जी लेकर आऊँ, मैंने कहा रोज रोज नहीं, घी या तोरी वगैरह मत लाया करो, कहते आज खुद ही चलो देखते हैं क्या खरीदोगे। तो मैं वहाँ पर जाके देखा, ऐसा कुछ भी नहीं मिला मुझे जो स्पेशल हो, ये अम्बी लाई हूँ, ये लाई हूँ, टमाटर लाई हूँ, गोभी लाई हूँ। और मैं ये कह रही थी शॉपकीपर को, भैया ये बासी तो नहीं है, तो कहने लगा कि नहीं मैम बासी तो हम एक तरफ रख देते हैं, हमारी तो बिक जाती है। मेरे को बिक जाती है बासी को कौन लेगा, कहते मंडी में वापस कर देते हैं हम, जिनसे खरीदते हैं ना हम सब्जी सुबह उनको वापस कर देते हैं। मैंने कहा ले लेते हैं, कहते हाँ। मैंने क्यों, वो क्या करते हैं, कहते हैं जो होटल वाले होते हैं ना वो ले जाते हैं उनसे। मैं तो इतनी हैरान, कहते हैं क्या सोचते हो मैम आप, ये जो होटल में खाना खाते हो 500 500 600 600 रुपये की थाली खाते हो, और जो सैलेड वगैरह खाते हो आप, ये यहाँ पर जो ताज़ा ताज़ा लेते हो सब्जी, अगर वैसे देखा जाए हेल्थ के हिसाब से देखो तो आप खा नहीं सकते सब्जी को, कहते हमें तो पता है ना जो हमारी बिकती हैं वापिस। कई बार आप कहते हैं ना कि भैया ये अच्छी नहीं निकली बासी है ये है, तो ये कहता आप क्यों नहीं लाए। मैंने कहा आप क्या करते हैं, तो हमें आज पता चला वो क्या करते हैं, कहते बासी नहीं रखते हम, जो भी बासी सब्जी होती है उसको एक तरफ रखते जाते हैं, क्योंकि हमारी तो बिक नहीं होती है। मेरी तो आंखें खुल गई उनकी बातें सुन सुन के। मैंने कहा सर को कह रही, मैंने कहा भैया बस अब
और मत बताओ हमें, कभी कभी जाते हैं तो वो भी नहीं खाया जाएगा हमारे से तो। चलो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय 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 फ्रेंड्स।